हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और कितने दिनों के बाद ऐसी खुशी, ऐसी धुलाई दिख रही है हमें टीम इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका फिर से नहीं आता, बार बार नहीं आता कि जब हम हमारी टीम इंडिया को देखते हैं, किसी एक टीम को उसके धुलाई करते हुए 13-0 से इंडिया अंडर 17 ने हरा दिया है ब्रुनेई अंडर 17 को इन द एएफसी एशियन कप 2025 क्वालिफायर्स के पहले मैच में। अभी इसके आगे क्या रूट है, बिकॉज आप लोगों ने सुना रहेगा कि को तो बहुत लोग बोल रहे कि ये जो मैच है ये काउंट नहीं किया जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्या है पूरी कहानी, इस ये काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका इसके पीछे रीजन क्या है, सब कुछ क्वालिफिकेशन सिनेरियो, आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है ना भाई, ये वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट मैच कभी है, नेक्स्ट मैच में कैसे परफॉर्मेंस देना है, कितने गोल्स मारने हैं, तो वो सब के बारे में ये वाले वीडियो में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, बिकॉज यस ऑब्वियसली हमने बहुत मुश्किल से, हमने बहुत डिफिकल्टी से ये पूरा मैच देखा। कोई कोई गोल्स हमने देखे, कोई कोई गोल्स नहीं देखे, बट एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़े जो गोल्स जितने भी हम देख पाए, फिनिशेस का जो फिनिशिंग थी उसमें से कई कोई फिनिशेस काफी अच्छे लगे मुझे। एंड या देखो, ज्यादा टाइम मिलता नहीं हमें, ज्यादा मौका मिलता नहीं कि हम सेलिब्रेट कर सके इतनी बड़ी विन को, दैट्स अ ग्रेट विन। फर्स्ट हाफ में हम फाइनल होते हैं, हम फाइनल से आगे रहते हैं और ऐसा लगा कि भाई ये लोग क्या वही कर देंगे, बट इन्होंने अंडर 20 की गलती नहीं की, अंडर 20 टीम ने जो गलती की थी वैसी गलती नहीं की। एंड सेकेंड हाफ में कुल 8 गोल मारे और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। 13-0 से हमने हरा दिया है। स्कोर कर, स्कोर स्कोर गोल स्कोरर्स की सॉरी गोल स्कोरर्स की अगर आप बात करोगे तो विशाल यादव वाज वन ऑफ द पीक, बिकॉज उसने हैट्रिक मारा। एंड बाकी के जो नाम से अब चैट ऑडी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप वो पढ़ सकते हो। अब बात आते हैं कि भाई ये मैच काउंट होगा क्यों नहीं, ठीक है, ये जो मैच है इसका जो रिजल्ट है, इसका जो गोल डिफरेंस है, वो काउंट क्यों नहीं होगा। अभी सिंपल सी बात है, जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो ये कहता है कि भाई 10 ग्रुप्स है, ठीक है, 10 ग्रुप्स है, उसमें से कोई ग्रुप्स में आपको 5 टीम देखने मिलेगी, कोई ग्रुप्स में आपको 4 टीम देखने मिलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या बोलता है कि 10 ग्रुप्स है तो 10 ग्रुप विनर्स एंड 5 सेकेंड बेस्ट प्लेस टीम्स। तो इसके पहले क्या था, तो कोई जो ग्रुप में 5 टीम्स है उसमें क्या होता था कि जो 5 फिफ्थ पे फिनिश हुई ना, उसका रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो पॉइंट्स है, उसका जीडी है, वो काउंट नहीं होगा। और जो जो ग्रुप में 4 ग्रुप्स है, देख जो ग्रुप में 4 टीम्स है उनका तो सिंपल ही है, बिकॉज चार टीम्स है ही है सब में। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि भाई लेबनान जो ग्रुप है वो ग्रुप से वो विड्रॉ हो चुके हैं। दैट मीन्स जो लेबनान जिस ग्रुप में थी उसमें से पहले से ही 4 ग्रुप 4 टीम्स है, अब लेबनान निकल जाएगी। दैट मीन्स की 3 टीम्स है, ठीक है, 3 टीम्स है। तो अभी एएफसी क्या करेगा, ये 10 ग्रुप्स है ना, 10 ग्रुप से, तो जिसमें 5 ग्रुप, जिसमें हर एक ग्रुप में कोई कोई ग्रुप में आपको 5 टीम देखने मिलेगी, कोई कोई ग्रुप में आपको 4 टीम देखने मिलेगी, और एक ऐसा ग्रुप रहेगा जहां पर आपको 3 टीम देखने मिलेगा, जो है लेबनान जिसने विड्रॉ कर लिया। नाउ द थिंग इज दैट कि अभी एएफसी क्या करेगा, तो अभी जो जिस ग्रुप में 4 टीम्स है, जैसे कि हमारे ग्रुप में 4 टीम्स है, इंडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई और तुर्कमेनिस्तान, तो जो भी ग्रुप में 4 टीम्स है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो फोर्थ पे फिनिश करे, ठीक है, जो फोर्थ पे फिनिश करेगा, हमारे केस में जस्ट इमेजिन या तो एग्जांपल ले लो कि हम 4, ठीक है, हम लाइक कोई फिनिश करता है, ब्रुनेई, ब्रुनेई फोर्थ पे फिनिश करती है, ठीक है, ब्रुनेई फोर्थ पे फिनिश करती है, हम सेकंड या फर्स्ट पे फिनिश करते हैं, तो जो ब्रुनेई का जो रिजल्ट रहेगा, हमने ब्रुनेई को कितने से हारा है, 13-0 से हारा है, तो हमारा जो गोल डिफरेंस रहेगा, हमारा जो रिजल्ट रहेगा, पॉइंट्स, वो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो पांच, जिस ग्रुप में 5 टीम्स है, ठीक है, वहां पर तो पहले से ऐसा वो बोलते थे ना कि भाई पांचवे पे जो आएगा उसका रिजल्ट और गोल डिफरेंस काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी क्या होएगा, लेबनान ने विड्रॉ कर लिया, तो जिस ग्रुप में 5 टीम्स है, तो वो ग्रुप में जो फोर्थ और फिफ्थ प्लेस टीम्स है ना, वो दोनों टीम्स के जो रिजल्ट है, जो गोल डिफरेंस है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है सी, आई रियली होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो हमारे ग्रुप में आपको क्या टेंशन लेने की बात है, आपको क्या समझना है, हमारे ग्रुप में इंडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, तुर्कमेनिस्तान, वी आर अज्यूमिंग कि इंडिया और थाईलैंड फर्स्ट या सेकंड फिनिश करेगा, थर्ड पे या तो तुर्कमेनिस्तान फिनिश करेगा या तो ब्रुनेई फिनिश करेगा। अभी जो भी फिनिश करेगा फोर्थ, ठीक है, चाहे वो ब्रुनेई हो जाए, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो जाए, जो भी फिनिश करेगा फोर्थ, उसके अगेंस्ट हमारे रिजल्ट काउंट नहीं होंगे, बिकॉज हर एक ग्रुप को आपको 3-3 डिवाइड करना है, बिकॉज लेबनान वाला जो ग्रुप है उसमें 4 टीम्स थी, लेबनान निकल चुका है, तो वो 3 का ग्रुप हो चुका है। तो अभी हर एक ग्रुप को 3 टीम्स को अगर आपको ट्रीट करना है, तो ये एक फायदा, ये एक आपको वे है जिससे आप ट्रीट कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, जिस ग्रुप में 5 है, ठीक है, जो ग्रुप में 5 टीम्स है, अभी उसमें से जो फोर्थ और फिफ्थ पे फिनिश करेगी उसके अगेंस्ट रिजल्ट मैटर नहीं करेंगे। और सेम वे जो ग्रुप में 4 टीम्स है, जिसमें 4 टीम्स है, ओके,
तो उसमें जो फोर्थ फिनिश करेगा, उसमें जो फोर्थ फिनिश करेगा, तो आपका जो फोर्थ वाला जो रिजल्ट रहेगा, फोर्थ टीम के अगेंस्ट जो रिजल्ट रहेगा वो मैटर नहीं करेगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके okay, तो इसके इससे क्या होगा कि आप हर एक ग्रुप में भले 5 हो, भले 4 हो, भले 3 हो, लेकिन आप ट्रीट क्या कर रहे हो, हर एक ग्रुप में 3 टीम जैसे ही ट्रीट कर रहे हो। मैचेस खेलो आप, बट वो रिजल्ट काउंट नहीं आएंगे जो भी फोर्थ और फिफ्थ पे फिनिश करेंगे या जो भी फोर्थ पे फिनिश करेंगे। तो ये सिंपल फंडा है लेब्रॉन या ये इसका जो बोल रहे हैं। हमारे लिए होप करना, दो चीज होप करनी है। अभी नेक्स्ट मैच हमारा 25 अक्टूबर को है तुर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट, या तो हम उनको हरा दे और लेट सपोज की 9-10 गोल मार दे, जो कि मुझे लगता नहीं कि क्या होगा, बट लेट्स इमेजिन आप उनके अगेंस्ट हम लोग 9-10 गोल मार देते हैं, वो एक अच्छी बात हो जाएगी। और अगर ये भी हो जाएगा, ठीक है, अगर ये होप कर देते कि ब्रुनेई जिस किसी भी तरह अगर तुर्कमेनिस्तान को हरा देती है, अभी ये जो रिजल्ट देख के लग नहीं रहा कि वो लोग हराएंगे, लेकिन अगर हरा देती है तो ब्रुनेई थर्ड पे फिनिश करेगा, और अगर ब्रुनेई थर्ड पे फिनिश करता है तो ये जो हमारा जो +13 है, 13 गोल हमने मारे वो काउंट होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मैच है 25 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान के उनके अगेंस्ट भी ना भाई 10 से 12 गोल जितना हो सके गोल मारो, सो दैट कैसे है कि कोई भी फिनिश करे, हमें क्या, हमारा तो जीडी बढ़ना चाहिए। तो ये सिनेरियो है दोस्तों, एंड या दैट्स इट भाई। आप लोग कितने खुश हो ये रिजल्ट को लेके, ऑब्वियसली हमने मैचेस नहीं देखे, थोड़े थोड़े कट कट फुट करके हाइलाइट्स देखे या तो गोल्स देखे, आप क्या कहना है ये पूरे मैच में, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे कौन है वीडियो में, जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर।